हेलो बच्चों, लेट अस सी द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज दैट लेट ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i प्लस जे माइनस 2k एंड बी इक्वल्स टू i प्लस जे इफ सी इज अ वेक्टर सच दैट ए डॉट सी इज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए इज 2√2 एंड द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी इज 30, देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी is equal to, so these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा ये अपने पास यूज होगा मैग्नेट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स. सो ये इक्वल होता है मैग्नेट्यूड ऑफ द फर्स्ट वैक्टर टाइम्स मैग्नेट्यूड ऑफ द सेकेंड वैक्टर टाइम्स साइन ऑफ एंगल बिटवीन दम. ऑल्सो डॉट प्रोडक्ट का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर्स ये इक्वल होता है अपने पास ए वैक्टर का मैग्नीट्यूड टाइम्स बी वैक्टर टाइम्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम. अब सवाल के अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं. हमें ए वैक्टर दिया गया है दैट इज 2i प्लस जे माइनस 2k और बी वेक्टर भी हमें दिया गया है दैट इज आई प्लस जे. ए और वेक्टर ए बी वेक्टर दे रखा है, हमें एंगल भी दे रखा है. लेट सपोज थीटा वो एंगल है जो कि हमें दे रखा है 30 डिग्री बिटवीन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर एंड सी वेक्टर. और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर. सो ये इक्वल आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर टाइम्स एंगल बिटवीन देम. और एंगल बिटवीन देम मींस एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड सी जो कि 30 डिग्री है. सो साइन ऑफ 30 हो जाएगा ये. सो ये अपने पास आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 बन जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू 1/2 होती. तो हम बात करते हैं बाकी वैल्यूज की, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो उसके लिए हम लोग ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर पहले निकालते हैं. तो वो आएगा अपने पास आई जे के एज इट इज फर्स्ट रो. सेकेंड रो के अंदर ए वैक्टर के कोएफिशिएंट 2, 1, -2 और थर्ड रो में बी वेक्टर के कोएफिशिएंट दैट इज 1, 1 एंड 0. तो इसको एक्सपांड कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट रो के अलोंग. तो फर्स्ट रो के अलोंग इसको अगर हम एक्सपांड करें डिटरमिनेंट को, आई कैप टाइम्स आएगा 0 -2 यानी 2 बनेगा माइनस जे कैप टाइम्स 0 + 2 अगेन 2 प्लस के कैप टाइम्स 2 - 1 दैट इज 1. So, ये आ गया अपने पास 2i - 2j प्लस के कैप. सो हम यहां से मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो कि आ जाएगा अंडर रूट ऑफ उनके कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर. सो 2² - 2² और 1² सो 2² + -2² + 1² सो ये बन गया 4, 4 और 1 यानी 9 का रूट यानी कि 3 आ गया. अब अपने पास क्या निकालना है अपने को, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड. सो उसके लिए और चीजें दी गई अपने पास. सबसे पहले अपने को क्या दिया गया है, मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर ये हमें दिया गया है इक्वल्स टू 2√2. ओके, सो हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते. सो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर का स्क्वायर इक्वल्स 2√2 का स्क्वायर. सो दिस इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 2 times ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर. दिस इक्वल्स टू 2√2 का स्क्वायर होता है 8. सो मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए की अगर हम बात करें तो वो तो हम लोग निकाल सकते हैं, ए वेक्टर हमारे पास है. सो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर की बात करें तो वो आएगा रूट ऑफ
ए वेक्टर है, सो 2i + j - 2 के, सो ये हो जाएगा 2² + 1² + -2² तो ये भी 3 के ही इक्वल आएगा। सो ये अपने को मिल गया 3² - 2 टाइम्स ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, हमें दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर के इक्वल इक्वल्स टू 8। सो यहां से हमें मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, देन 9 - 8 तो +1 = 0। सो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, दैट इज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर -1, इसका होल स्क्वायर लिखा गया है इक्वल्स टू 0। सो फ्रॉम हियर वी गेट मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 1। सो दिस इम्प्लाइज मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर भी आ गया हमारे पास। तो हमें जो आंसर निकालना था दैट वाज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये इक्वल आया था अपने पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, वो हम लोगों ने निकाला था, आया था 3 के इक्वल। तो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर जो कि आया है 1/2। सो ये आंसर हमें मिल गया 3/2। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी। सो हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।